ये क्रिमिनल एक्टिविटी थी, और अगर कोई भी क्रिमिनल एक्टिविटी करता है तो वो अपने बचाव के लिए कोई भी आरोप किसी पे लगा सकता है। लेकिन मैं अपने एज ए एस डी एम, एज ए एरिया मजिस्ट्रेट, मैं अपनी ड्यूटी पे था, और जिन लोगों ने भी वोट किया वो सब अपने अपने वेल जो समझदार लोग थे, सब अपने वोट मत का इस्तेमाल उन्होंने किया। इसमें ये बात कहाँ से आ जाती है कि मैंने कोई ज़बरदस्ती किसी से वोट डलवाया, ये तो संभव ही नहीं। हम तो हमारी राजकीय कर्तव्य को निभा रहे हैं। अब आरोप लगाना तो बड़ा आसान होता है, आरोप आप प्रूव करो ना, कुछ ना आप कोई बात को प्रूव करो भाई। आरोप लगाना तो बहुत आसान बात है। बीइंग अ विक्टिम, आप किस तरीके की कार्रवाई चाहते हैं पुलिस से? नहीं, मैं सबसे पहले आपसे निवेदन करना चाहूँगा, मैं इसमें विक्टिम अपने आप को मानता ही नहीं हूँ, क्योंकि मैं अपना प्रशासनिक कार्य कर रहा था और उसमें विक्टिम होने जैसी बात है ही नहीं। जो भी वो एक आपराधिक गतिविधि हुई वो केवल आप उसको केवल मेरे साथ हुई ऐसा नहीं है। मेरी जगह कोई भी SDM या कोई भी वहाँ पे अधिकारी होता उसके साथ भी वो घटना हो सकती थी, तो इसमें विक्टिम वाली कोई बात है। आप मांग करते हैं कि पुलिस से कि कड़ी कार्रवाई करे, किस तरह की कार्रवाई हो? नहीं, आप देख ही रहे हैं कि काफ़ी अच्छी कार्रवाई हो रही है, लगातार उसको जो संबंधित है उसको गिरफ्तार भी कर लिया गया है, और उसमें नियमानुसार कार्रवाई होगी 100%। कानून का तो यही रहता है कि भाई वो पूरी तरीके से उस पर कार्रवाई। मामला आपसे जुड़ा हुआ है, पूरा टोंक जल रहा है, पूरा देवली जल रहा है, उनियारा जल रहा है, लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या कुछ अपील करना चाहेंगे उनको आप? मैं तो इस सौहार्द, क्योंकि अभी हमारे जो आपने सुना भी होगा कि जो अभी वो एक दिन की जो घटना थी उसके बाद अभी तक किसी प्रकार की कोई भी जो हिंसा की घटनाएं